Twinkle? Twinkle? Kunj? ये कुंज यहाँ पर कैसे आ गया? कहीं मकारों ने बता तो नहीं दिया कि मैं ट्विंकल के साथ यहाँ फार्म हाउस पे हूँ। ट्विंकल, 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 थैंक गॉड तू मिल गई, ट्विंकल, ट्विंकल। पहर देने के बावजूद इन हरामखोरों ने मेरे साथ गद्दारी की। कुंज को बता दिया कि मैं ट्विंकल के साथ इस फार्म हाउस में हूं। अब कुंज मैनू छोड़ेगा नहीं। अब क्या करूं मैं? इससे पहले कि कुंज मुझ पर हाथ उठाए और पूरे परिवार के सामने मैनू जलील करे, मैनू कुछ करना होगा। उन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। न जाने कि कुंज कहां चला गया। मैंने उसे फोन किया था, कह रहा था कि आ जाएगा थोड़ी देर में। पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया कि उसे अचानक जाना पड़ा। उषा, तुझे तो टेंशन लेने की आदत सी हो गई। हो सकता है ट्विंकल ने कुंज को फोन किया हो, इसलिए उसे लेने चला गया। चल अंदर माथा टेकते हैं। चल, चल। क्या ट्विंकी को दोस्त लेने गया? यूवी को भी दोस्त तो ट्विंकी के साथ ही रहना है। हाँ। तुझे साथ में रहना है? हर वक्त तू उन दोनों के बीच में घुसा रहता है, क्यों भाई? पुत्र अभी तू सियाना हो गया, वो दोनों पति पत्नी है, उन्हें अकेले थोड़ा वक्त तो गुजारने दे साथ में। चल अंदर चल, माथा टेक, रब तुझे सद्बुद्धि दे। चल चल। आखिर ये माजरा क्या है? ये ट्विंकल और ये कुंज कहाँ चले गए? ट्विंकल प्लीज होश में आ, मुझसे बात कर। ट्विंकल प्लीज उठ। ट्विंकल क्या करूं मैं? होए, ट्विंकल थैंक गॉड तू होश में आ गई। ट्विंकल आराम से। ठीक है ना? ये ले पानी में। तू तो गया। ट्विंकल प्लीज उठ, मुझे बता हुआ क्या? तू उस अलमारी में घुसी कैसे? तू यहाँ, तूने किसी की शक्ल देखी? तुझे कुछ? ये कुंज ट्विंकल से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब कि इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। यूवी के रूम में उसकी कबर्ड में छुपी थी उसको देखने के लिए, पर पता नहीं किसने बाहर से लॉक कर दिया। What? इसका मतलब तो खुद उस अलमारी में जाके घुसी थी। Are you serious? क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई यार ट्विंकल? बच्चा है वो, कैसे कर सकता है वो? यू भी ऐसा नहीं कर सकता, ना ही वो ऐसे किसी से करवा सकता है। नहीं कुत, मेरा यकीन करो, ये यू भी नहीं किया है। यू भी सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, उसी ने मुझे लॉक किया अंदर। तेरे सर पे जबरदस्ती का फितूर चढ़ा है ट्विंकल। आई कांट बिलीव तू खुद जाके उस अलमारी में घुस गई। प्लीज मेरा यकीन करो कुत। इनफ ट्विंकल, बस। यूवी ने नहीं किया मतलब नहीं किया, क्योंकि जब हम गुरुद्वारे के लिए घर से निकल रहे थे तो वो गार्डन में था। अनीता आंटी घर पे नहीं थी।
लेकिन मुझे लगता है जब हम गुरुद्वारे के लिए घर से निकले ना, पीछे से वो आई होगी, उन्होंने तुझे लॉक किया होगा, इसके पीछे उन्हीं का हाथ। मैं कह रही हूँ तुम्हें, मैं 100% श्योर हूँ ये यूवी ने किया। और देखो मेरा दुपट्टा भी मिसिंग है, व्हाट डज दिस मीन? ये रहा तेरा दुपट्टा। और इलॉजिकल बातें करना बंद कर, अलमारी में बंद थी तू, बेहोश थी, गिर गया होगा तेरा दुपट्टा। इलॉजिकल बातें नहीं कर रही हूँ, मेरा बिलीव करो, यूवी ने ये किया है। जब तक इन दोनों के जिंदगी में यूवी और अनीता नाम के विलन होंगे, तब तक मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। यकीन करो मेरा, इसमें यूवी का ही हाथ है। ट्विंकल पता है तू सच में किसी दिन ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, तो अपनी मनमानी ना ये डिटेक्टिव गिरी करना बंद कर लाइफ में। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, कितना घबरा गई थी कि पता नहीं क्या होगा। और तुम तो आजकल हमेशा मुझे डांटते रहते हो, फिर क्यों आए मुझे ढूंढते हुए? तो डांटू नहीं तो और क्या करूं, मेरी बात सुनती है तो? लेकिन कुछ मैं प्लीज बाकी की लड़ाई घर पे कर लेना ट्विंकल, माँ की क्या हालत हो रही होगी, मुझे फोन भी करना है उन्हें। पता कितनी घबराई हुई है, चल उठ। ट्विंकल, ट्विंकल कर लूं सजना सजना। ये दोस्तों ट्विंकी कहां रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, यूवी को उससे मिलना है, दोस्तों मिलना है अभी, उनको उनको बुलाओ ना। पुत्र तू फिर शुरू हो गया, ठंड रख, दोनों आ जाएंगे। पता नहीं कहां रह गया है कुंज, ट्विंकल को लेने गया था और अब फोन भी नहीं उठा रहा। फोन करो दोस्त को, फोन करो, बोलो कि यूवी को मिलना है, बोलो। कर रही हूँ। ओए यूवी, ओए रिलैक्स हो जा भाई। ओए तेरे दोस्त की और ट्विंकल बाबी जी की अभी नई नई शादी हुई है, ओए हस्बैंड वाइफ कहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए अकेले। तो मैंने एक बात बता, तू बार बार इन दोनों के बीच में क्यों घुस जाता है, छोड़ दिया कर अकेले कभी कभी, है पागल। गुड फॉर नथिंग। बे भाइयों का प्यार है ये, भाइयों का प्यार है। चेरी हैं, तेरे को समझ नहीं है क्या कर रहा है तू? अरे ये तो बच्चा है ना समझे, तू तो बड़ा है वो। लेकिन भाऊजी, अरे चुप कर रहे। ओए कोई बहुत टेंशन ना ले, कोई ना। लो आ गए दोनों। कुंज कब से फोन लगा रही हूँ तुझे, कहाँ रह गए थे? माँ वो दोस्त तू आ गया। तुम दोनों यूवी को छोड़ के चले गए थे ना? तुझे पता है यूवी ने कितना मिस करा तुझे? पता है तुझे? तू फिकर मत कर, आगे से तुझे हमेशा साथ लेके जाऊंगा। कुछ प्रॉमिस? प्रॉमिस। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ गुरुद्वारे भी नहीं आए? बेबे एक्चुअली ट्विंकल की एक दोस्त है चिंकी, वो अर्जेंट चंडीगढ़ जाने का प्लान बन गया उसका, और ट्विंकल का मन था बहुत मिलने का उससे, तो उसे स्टेशन छोड़ने गए थे, तो वापस आने में देरी होगी। अ
अनीता का फोन है, एक मिनट। हाँ, ये कुंज और ट्विंकल सबको सच क्यों नहीं बता रहे? वैसे अच्छा ही है, आज तो मैं बच गया, पर अफसोस कि आज इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। खैर कोई नहीं, मौके तो आते ही रहेंगे। आखिर कब तक भाभी जी मुझसे बचती रहेंगी? कभी ना कभी तो हाथ लगेंगे ही। सुरजीत, अनीता का फोन था ना, क्या कह रही थी वो? हाँ ताऊ जी, अनीता आंटी दिखाई नहीं दे रही सुबह से। आप लोग ही सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीतरी होगी जिसके बेटे की ऐसी हालत हो गई है। अनीता किसी को बिना बताए अकेले वैष्णो देवी चली गई है। वैष्णो देवी? अपने मन की शांति के लिए और यूवी के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि इस घर में सब कुछ ठीक रहे। अकेली? हाँ। हाय रब्बा, सुरजीत एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, अनीता घर में नहीं है। अब इस मुंडे का ख्याल तू रखेगा, रात दिन इसके साथ रहेगा, पूरा घर सर पे उठा रखा है, जान खा रखी है हमारी। बेबी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना यूवी का ख्याल रखने के लिए। तू क्यों रखेगा? हाँ? तू क्यों रखेगा इसका ख्याल? इसका बाप अभी तक जिंदा है। तू बस अपनी बीवी का ख्याल रख, तेरे लिए उतना ही काफी है। चल यूवी पुत्र चल। ये यूवी तो धीरे धीरे मेरे ससुराल को दीमक की तरह खाता जा रहा है। पहले कुंज और अब ताऊ जी। यूवी सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना यूवी सबको अपने जाल में फंसा कर मेरी शादी बर्बाद कर देगा। बाबा जी प्लीज, अब तो हद हो गई है। कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं अपने परिवार और घर वालों को इस यूवी की से छुटकारा दिला सकूं। अरे मेरी ब्योमकेश बख्शी, ले खाना खा ले। सुबह से अपने केस सॉल्व कर रही है, खाना खाने का टाइम नहीं मिला होगा, स्पेशली वो अलमारी वाले एडवेंचर के बाद। उम्र देख अपनी, अभी भी छुपन छुपाई खेलनी है इसको। भुगतो। ए बाबा जी, कैसा हस्बैंड दे दिया आपने मुझे। अच्छा भी करेगा और सस्ता बार सुनाएगा। सड़ू सड़ना। क्या बुदबुदा रही है तू? एक्चुअली तारीफ ही कर रही होगी। तारीफ करवाने के लिए ना कोई तारीफ करने लायक काम भी करने पड़ते हैं, समझे मिस्टर कुंज सर ना? अच्छा, हाँ। जब से तुझसे शादी की है ना, तुझे झेल रहा हूँ, तेरे सारे स्यापे मैं संभाल रहा हूँ, इससे बड़ा तारीफ करने लायक काम मैं कर नहीं सकता, समझी? अरे तारीफ तो बड़ा छोटा सा वर्ड है, मुझे तो मतलब ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। अपने सैड फनी और गंदे जोक्स अपने पास ही रखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, समझे? हाँ तो मत बात कर, मुझे भी कोई शौक नहीं, सिर्फ खाना खाने को कह रहा हूँ, खा ले। मैं जानता हूँ तेरे अंदर की भूखड़ ना तड़प रही है अभी, मतलब खाने पे अटैक करने। माफ करो ना प्लीज, अपने सैड फनी जोक्स मारते रहो, मैं तो अपना खाना खाऊंगी मजे से। तुम्हारी प्लेट कहाँ है? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, पत्नी हो तो मतलब ऐसी कमाल। ज्यादा लोड मत ले, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। शुरू कर। मैं भी बाद में खा लूंगी। ट्विंकल बच्चों की तरह जिद मत कर, खा ले। तो तुम भी खाओ, इरिटेट करते रहते हो, कोई बच्ची नहीं हूं मैं। वैसे मुझे पता है। व्हाट? यही कि तू बच्ची नहीं है। याद है ना उस रात, अंधेरा, कैंडल्स, रोमांस। चुपचाप मुंह बंद करके खाना खाओ तुम, समझे तुम? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, तू कर रही थी। एक मैं बताता हूँ, कुंज। सजना वे,
अगर मुझे अपनी शादी में इस खट्टी मीठी टकरार को बरकरार रखना है तो जल्द से जल्द यूवी का सच सबके सामने लाना होगा ताकि उसका मनहूस साया मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए। यूवी इतनी सुबह सुबह से चुपचाप कहाँ जा रहा है? यूवी कहाँ है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये? तुझे अपना बनाने की कसम। Shut up, यूवी। कितनी एक्टिंग करेगा? तू अपने इस ड्रामे से ना पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मैं तेरी रग-रग से वाकिफ हूँ। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा? ट्विंकी, तू बुद्धू है क्या? यूवी ने तुझे डराया है, तू डर गई है ना? मैं डर गई? तू डर गया? गोवा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुझे डर लगने लगा है कुंज से। तुझे पता है अगर तू ये एक्टिंग नहीं करेगा तो कुंज तुझे मेरे आसपास फटकने भी नहीं देगा। ट्विंकी तो कितनी फनी है। अच्छा अच्छा ट्विंकी, एक काम करते हैं ना, तू बेहोश हो जा, ऐसे ऐसे गिर जा। क्यों गिरूं मैं? क्योंकि यूवी को तुझे किस करना है। उस दिन जैसे दोस्त ने तुझे किस करा था, तू बेहोश थी, वैसे यूवी करेगा। एग्जैक्टली। शट अप यूवी, अपनी लिमिट में रह वरना। क्यों? उस दिन जब यूवी को तुझे किस करना था तो दोस्त ने मना कर दिया, आज जब यूवी तुझे किस कर सकता है तो तू मना कर रही है। हाँ? बेहोश हो जा, मुझे किस करने दे, किस करने दे, करने दे। तो रख यूवी। सब समझ आ गया मुझे। कबड़ में तूने लॉक किया था ना मुझे, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से कौन सोच रहा है कि वो सब अनीता आंटी ने किया था। शर्म कर, तेरी वजह से तेरी माँ पे उंगलियां उठाई जा रही और वो बेचारी तेरे लिए वहां वैष्णो देवी में सलामती की दुआएं मांग रही है। बंद कर दे अपना ड्रामा। ट्विंकी, तू क्यों लड़ रही है मेरे से? हाँ, बस किस करने के लिए तो बोला है मैंने तुझे, सिर्फ एक किसी दे दे। तू हट मुझसे, अगर दोबारा मेरे करीब आए ना तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी, समझा? यूवी को लेकर एक फैसला मैं जरूर करूंगी। चल, तेरी चोट पर मरहम लगा देती हूँ। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। शाबाश। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल, क्या बेबी, मुझे अब तक लगता था कि तू वही पुरानी भोली भाली इनोसेंसी स्मार्ट सी ट्विंकल, लेकिन शादी के बाद तो तू और भी इंटेलिजेंट होगी। वैसे मानना पड़े, मैंने पूरी दुनिया को यकीन दिला दिया कि मैं पागल हूं, यहां तक कि अपनी मां को।
अपनी खुद की माँ को, लेकिन तू नहीं मानी। तू दुनिया को बोलती गई कि मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं, एंड यू आर राइट, मैं पागल नहीं हूं। ट्विंकल, तुझे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तेरे लिए मर सकता हूं, मार सकता हूं, तो ये बच्चों वाली एक्टिंग करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। तेरे करीब रहने का, तुझे छूने का, हर पल तेरे पास रहने का, इससे अच्छा तरीका मेरे पास और कोई नहीं था, कोई नहीं। और तू देख, मैं यूं ही हमेशा तेरे करीब रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक तेरी ये जबरदस्ती की टशन वाली शादी टूट नहीं जाती।